हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग इसमें आज हम टेस्ट संख्या 5 कर रहे हैं, जिसमें कि 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने में जाकर देखिए। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हुआ था, 61 के बाद चलते हैं। जैन धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास, वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका, केवल दो कथन सही है, दूसरा वाला। तो ऑप्शन लगाएंगे बी। ठीक है, तो पहला काट दीजिए और तीसरा काट दीजिए। देखिए, देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना ऐसा नहीं था, और वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा करना ऐसा भी निंदा नहीं किया गया था। तो दोनों कट कर दीजिए। सही उत्तर कौन है? तो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करना। नेक्स्ट है, गुप्त संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया गया था? तो यह किया गया था आपका 319 ईस्वी में। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, और अपने राज्यारोहण के पश्चात इसने अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम को ही एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है, जिन्हें गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। इनका पतन कब हुआ था? तो 319 ईसा पूर्व में माना जाता है, 319 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई है? मिलिंद पनाव, यही ऑप्शन ए सही है, मिलिंद पनाव। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में क्या क्या है? तो विनय पिटक, जिसको संघ संबंधी नियम तथा आचार शिक्षा कहा जाता है। दूसरा है सुत पिटक, जो धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्म उपदेश के लिए था। और तीसरा था अधिधम पिटक, जो दार्शनिक सिद्धांत था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे मौर्यकालीन पदाधिकारी है और दायित्व है। तो संस्था अध्यक्ष, व्यापारी मार्गों का प्रधान, कुप्याध्यक्ष, वन एवं वन संपदा का प्रधान, अकाराध्यक्ष, ये खानों का प्रधान, और सुनाध्यक्ष, ये बंदरगाहों का प्रधान। ये कथन गलत हो जाएगा, बंदरगाहों का प्रधान नहीं था। तो सुना अध्यक्ष हो जाएगा आपका, बचुड़ खाने का अध्यक्ष था। ठीक है, बंदरगाहों को बोलते थे पत्तना अध्यक्ष, जो पत्तन पत्तन बोलते हैं पोर्ट को, उसी को। तो सुना, ये लास्ट वाला क्या है? सुना अध्यक्ष, उसको बोलते हैं बुचड़ खाने का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे यहाँ पर कि प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसकी राजभाषा से निवास करते थे? तो यह थे धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल वंश का शासक हुआ। इस समय उत्तर भारत का राजनीतिक वातावरण विच्छुत था। राजपूताना और मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हो चुकी थी, तथा इस वंश का शासक वत्स राजपुरो की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। दक्षिण में राष्ट्रकूट शक्तिशाली थे, और उनकी लोलुप दृष्टि कन्नौज पर टिकी हुई है हुई थी। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। राजा के रूप में उसके उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। वह शास्त्रों का ज्ञाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे? सामंतवाद के लिए, ठीक है, बाह्य आक्रमण सही है, धर्म विजय की अवधारणा सही है, वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन ये भी सही है, शासकों द्वारा पतन, प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदान ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67, यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमा अवस्था को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराश कर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए, ये हो जाएगा एलोरा एलोरा का कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 68 है, सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने छरात नरेश नहपान को पराजित करने के पश्चात नासिक बौद्ध संघ को अजकालकी नामक क्षेत्र प्रदान दिया था? तो यह हो जाएगा गौतमी सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गौतमी सातकर्णी। तो देखिए सातवाहन शासकों ने गौतमी पुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में पुनः अपनी खोई हुई शक्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त की। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। वह सातवाहन कुल का महानतम सम्राट था। उसके दो अभिलेख नासिक थे तथा एक अभिलेख कार्यालय से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69, उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। इसमें अग्नि कर्म कांडों के स्थान पर ज्ञान यज्ञ पर बल दिया गया है। इसके संकलन में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान है। कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। ऑप्शन लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त काल में भूतोपात्य प्रत्याय नामक कर निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर आरोपित किया गया था? तो यह किया गया था विदेशी वस्तुओं के आयात, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यों को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। सांकेतिक मुद्रा जारी करना, कराची अभियान, राजधानी का देवगिरी असाधारण, खुरासान पर आक्रमण, इसको सही सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं सही व्यवस्थित करना है। तो पहले तो देखिए राजधानी देवगिरी हस्तांतरण हुआ था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, फिर खुरासान पर आक्रमण हुआ था, उसके बाद हुआ था तो कराची अभियान हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3142। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने तैमूरलंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग, तो यह हुआ था आपका नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद। तो देखिए नसीरुद्दीन महमूद मंगोलों ने 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश शासनकाल कब तक था? 1210 से 1236 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका शासनकाल था 1325 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक, तो ये देखिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ही उसमें एफएसटी के नाम से बोलते हैं इसको, बुनियादी ढांचा के विकास के लिए प्रमुख रूप से काम किया गया था। इसने स्कूल, अस्पताल, नदी, नहरें, जलाशय, विश्राम गृह आदि का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, और इसमें सूचीबद्ध को सूचीबद्ध से मिलाना है। विभाग पद है और संस्थापक सुल्तान है, कौन किसने स्थापना किया है उसको बताना है। तो दीवान ए अर्ज ने बलबन का था, और उसके बाद दीवान ए खुस्तराज, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। दीवान ए इस्तिहाक, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए वकूफ, ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। 2143 ऑप्शन नंबर में है, सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी? किताब ए नौरस की रचना, तो यह किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियमित सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। मुगल क्षेत्रों से वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह हो जाएगा एक और तीन सही है, तीसरा कथन गलत, दूसरा कथन गलत है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, एक कथन गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व आरोपित किया था? तो यह किया था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक था, जो कि फिरोज शाह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश के शासक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने युग में स्थापित कई वस्तु शिल्प आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में सिंचाई कर यानी हक ए सर्व लगाने वाला पहला शासक था। यह कर कुल उपज का 10% था। ठीक है, 10% हक ए सर्व। क्वेश्चन नंबर 77 है, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कर गैर मुस्लिमों पर आरोपित किया जाता था, सही है। प्रारंभ में इसे भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, सही है। स्त्री, बच्चे एवं विक्षिप्त इस कर से मुक्त थे, यह भी सही है, बूढ़े भी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर आरोपित किया, नहीं, तो यह कथन गलत है, ऑप्शन डी वाला हटा दीजिए।
ये कथन गलत है। तो इस जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, और इसने जजिया कर का निकाल कर पृथक कर से रूप में वसूला था। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल में शासनकाल की विशेषताएं हैं? तो शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन सही है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन सही है, दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण ये गलत है, और खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना ये सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में देखिए, 1, 2, 4 है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो यह था जैनुल अबिदीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्व को भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया, उपज का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में प्राप्त किया, कृषि सुधारों के लिए अमीर ए कोही की स्थापना की गई, कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ए दूसरा तीसरा कथन गलत है। देखिए जो यहाँ पे 1/3 लिखा है, यहाँ पे 50-50% रहता है, जो कि उसने विश्व उत्पादन के लिए राज्य की मांग का उपज 50-50% उत्पादन किया। भारत में अन्य सुल्तानों के राज्यों को सुल्तान खिलजी के अधीन किया गया था, जो सबसे अधिक 50% का था। और तीसरा कथन क्या कह रहा है कि कृषि सुधारों के लिए अमीर कोही की स्थापना की गई, तो ऐसा नहीं है। कृषि सुधार में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक की स्थापना अलग कृषि विभाग की स्थापना किया था, न कि अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल के प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दसवंत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, यह विलियम हॉकिंस के साथ ही अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था, इसने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों सूरत आगरा मार्ग, आगरा अहमदाबाद मार्ग और लाहौर काबुल मार्ग का विस्तार से उल्लेख किया। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला यह एकमात्र यात्री है जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह हो जाएगा विलियम फिच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं? संगमरमर के पत्थरों पर रत्नों की जड़ावत, सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, ढालू दीवारें, कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो यह हो जाएगा पहला सही है, दूसरा सही है, ढालू दीवारें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर लगाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो यह करवाया था गुजरात विजय, जब गुजरात से विजय हुआ था तब गुजरात विजय, और 1572 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। मुजफ्फर खान और उनके रईसों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने जहां तक कैम्बे का क्षेत्र था इब्राहिम मिर्जा का पीछा किया और उसे करनाल में हराया। लौटते समय उसने सूरत के किले पर 1573 ईस्वी में कब्जा कर लिया। इसने गुजरात की विजय को पूरा किया था। ठीक है, मालवा का यहाँ दिया, मालवा का विजय, तो ये मालवा का विजय कब हुआ था? मालवा का विजय याद रखिए 1561, ठीक है, 1561। और मेवाड़ का विजय, तो मेवाड़ का विजय हुआ था 1567 में। और कालिंजर का 1569 में। कालिंजर के युद्ध के बारे में बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित यह किला अभेद माना जाता था, इस पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। 1569 ईस्वी में अकबर ने मजनू खान के नेतृत्व में आक्रमण कर कालिंजर पर विजय पाई तथा अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को यह किला जागीर के तौर पर तोहफे में दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वंशानुगत व्यवस्था थी? नहीं, ऐसा नहीं है, इसने ये तो अकबर ने बनाया था। इससे मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता था, और इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन लगा दीजिए बी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था क्या होता है, मनसबदारी व्यवस्था होता है कि अगर अकबर जैसे यहाँ पर है तो इसके कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, तो अकबर का कोई जमीन है या कोई क्षेत्र है, वो बोल देगा कि आप जाइए यहाँ पर टैक्स वसूलिए। ठीक है, तो टैक्स वसूल कर आप अपने जितना आपका वो रहेगा रेट है उसी हिसाब से दिया जाता था कि वहां पे इतनी रेवेन्यू आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के शासन काल में चलाया गया सिक्का था? जहांगीर के, तो ये चलाया गया था निसार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निसार। देखिए निसार जहांगीर के चलाया गया तांबे का सिक्का था, और यह सिक्का रुपए में 40वां भाग के बराबर होता था। मुहर, तो मुहर जो है, मुहर यह है, ये अकबर के शासनकाल में चलाया गया था।
इसकी कीमत 9 रुपए यानी अकबरी आईने अकबरी के अनुसार था। इसका सिक्का का मुगल काल सर्वाधिक प्रचलित सिक्कों में से एक था। रुपया रुपया चलाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा, चांदी का सिक्का था ये, 175 ग्रेन का होता था। उसके बाद इलाही, तो यह अकबर का आरंभ किया गया स्वर्ण का आकृति में गोलाकार सिक्का था जिसमें सिक्के का मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था। उसके बाद कुछ और सिक्के हैं जैसे कि संसद, यह अकबर ने चलाया था, सोने का सिक्का था। जलाली है, ये अकबर ने चलाया था, इस सिक्का की आकृति वर्गाकार होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, मुगल शहजादा दारा सिको सूफियों की निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित थी, तो यह कादिरी। औरंगजेब के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोह, यह क्रमानुक्रम बताना है कब कौन सा हुआ था, तो अफगान नेता भागु विद्रोह पहले हुआ था, यह हुआ था आपका, एक मिनट, तो पहले हुआ था अफगान नेता भागु विद्रोह हुआ था, और उसके बाद हुआ था जाट विद्रोह, और फिर हुआ आपका सनातनी विद्रोह, फिर हुआ था शहजादा अकबर विद्रोह। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 4312, ठीक है। सनातनी विद्रोह हुआ था आपका 1672 में, 1672 में हुआ था सनातनी विद्रोह। उसके बाद जाट विद्रोह देखेंगे तो जाट विद्रोह हुआ था 69 से 70 में, 69 से 70। और उसके बाद शहजादा अकबर विद्रोह, शहजादा अकबर विद्रोह यह हुआ था 1681 में, और अफगान नेता का हुआ था जो कि यूसुफ जाई विद्रोह था इसको कहा जाता है, यह हुआ था 1667 में। तो इस प्रकार हो जाएगा 4321, ठीक है, 4312 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89, बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, क्रमानुक्रम व्यवस्थित कीजिए बताइए इसको बाबर द्वारा। तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। तो 1, 3, 2, 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब हुआ था 1526, 2627, 2828, 2829 में हुआ था। तो 1, 3, 2, 4 पुस्तक है, रचयिता है कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो तारिक ए फिरोज शाही है, तारीख ए फिरोज शाही इसका है जियाउद्दीन, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे हो जाएगा। और फिर तबकात ए नासिरी किसका पुस्तक है, तो यह है मिन्नाउद्दीन, इसका हो जाएगा यहाँ, देखिए दुर्लभ पकड़ दिया है। हबीब उस सियार, तो सियार देखिए, सियार से याद रखिएगा, खोंद मीर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और फिर तारीख ए रसीदी क्या है, तो तारीख ए रसीदी देखिए मिर्जा हैदर दुगलात का था, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए टेम्पलटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टेम्पलटन, तो यह किया गया था एडना अदन इस्माइल 2023 में था। क्वेश्चन नंबर 92 है, कान फिल्म पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह है एनाटॉमी ऑफ द फॉल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किन आयामों को सम्मिलित किया जाता है, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, कौन सा कथन सही होगा, तो यह हो जाएगा चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, लारियंस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, तो यह चुना गया है सैली एन फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी, तो यह बनी थी रयाना बरनावी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है, तो यह जीता है नोवाक जोकोविच, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस स्थान को ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान में मिला हुआ है, तो यह है आईआईटी मद्रास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 75 वर्ष पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ किया गया है, तो यह किया गया हरियाणा ऑप्शन नंबर सी में है।
क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है बैटम इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है बैटम इंडोनेशिया। 100 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित कर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में 16वें संस्करण का खिताब जीता है? बताइए किसको हराया था। तो यह है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइए कि ये 2024 में जो आईपीएल हुआ था वो किसने जीता है, बताइए होगा आपको, कमेंट करिएगा प्लीज, और किसको हराया है वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, भूमि का प्रकार है या विशेषताएं हैं? ठीक है, भूमि का प्रकार और विशेषताएं। तो संगम सॉरी विल्लन वगाई, तो यहाँ बताना है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ये सही है। और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी सही है। पल्ली चंगम, ये जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ये भी सही है। तो ये तीसरा वाला कथन गलत है। साला भोग, तो यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये कथन गलत है। साला भोग होता है विद्यालय की रख रखाव के लिए भूमि होता है, ठीक है। और मंदिर में उपहार दी गई में को बोलते हैं देवदान, तो सी वाला गलत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह किया था धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से किसने पांडे राजधानी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी? तृतीय संगम, तो यह किया था नकीर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं हैं? सादा प्रभार मंडल, मोटे उत्तरी वस्त्रों का प्रदर्शन, विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता, मथुरा शैली के प्रतिमानों पर आधारित, कुट का प्रयोग करिए शब्दों का चयन कीजिए कौन सा सही होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका पहला हटा दीजिए, बाकी सब सही है, 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 पहला हटा दीजिए, ठीक है 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 105, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का, तो यह था नन्नूक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नन्नूक। देखिए चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी के लगभग नन्नूक नामक व्यक्ति ने की थी, और उसके संदर्भ में नृप नामक उपाधि का उल्लेख देखने को मिलता है। इससे सूचित होता है कि वह स्वतंत्र शासक न होकर कोई सीमांत सरदार रहा होगा। इस समय की सार्वभौम सत्ता प्रतिहारों की थी। वासुदेव 551 में था। सिंह भूमि, देखिए यहाँ पर है सिंह भूमि आपका 575 से 600 ईस्वी, और दंती दुर्ग 736 से 756 ईस्वी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 100 ए होगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किन शिला लेखों की रचना खरोष्टी लिपि में की गई थी? खरोष्टी लिपि, तो सहबाजीगढ़ और मनसेरा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिन गिरनार और कालसी नहीं था। गिरनार देखिए गुजरात के कठियावाड़ जूनागढ़ में समीप गिरनार पहाड़ी में रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख में प्राप्त हुआ है। 1822 ईस्वी में कर्नल टाड ने इन लेखों का पता लगाया था। गिरनार लेख अपेक्षा की सबसे सुरक्षित अवस्था में है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कालसी, तो कालसी प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर है 107, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ से कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? तो यह होता है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लेखक हरिशेण हैं। इसकी रचना चंपू शैली की गई है, चंपू शैली में। अवेंसांग ने अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्कंदगुप्त के काल में हुए हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? हूण आक्रमण की यह होती है भीतरी अभिलेख से। भीतरी स्तंभ अभिलेख क्या है? तो भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान से यह लेख मिलता है। इसमें पुष्य मित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिए यह अभिलेख महत्वपूर्ण है। गढ़वा शिलालेख, तो ये इलाहाबाद जिले में है, इलाहाबाद में। और बिलसड़ अभिलेख, तो ये कुमार गुप्त के शासनकाल में प्रथम अभिलेख में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। मंदसौर अभिलेख, तो यह है दसपुर जिले में, दसपुर में है।
उत्तर वैदिक काल में धर्म में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वरुणा एवं इंद्र के महत्व में वृद्धि, ये गलत है। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई, सही है। धर्म में अंधविश्वास को स्थान मिला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, गीत गोविंद के लेखक जय सिंह जयदेव निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 112 है, शासक है और विदेशी यात्री है, देवराय प्रथम अब्दुलरजाक दिया है, देवराय द्वितीय निकोलो दे कांती, कृष्णदेव राय डोमिंगो पायस और अच्युत देवराय, तो यह फरनाओ नुनिज, तो कौन सा सही होगा? तो इसमें देखिए 3 और 4 सही है, ठीक है। अब पहला और दूसरा कथन गलत है। देवराय प्रथम में हरियर द्वितीय के विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जो कि देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर इसके शासनकाल में इटली के यात्री नोकिलो कांटी आए थे। और देवराय द्वितीय, तो देवराय द्वितीय के संगम शासन में महाकाल शासकों में से था, जो इमादी देवराय भी कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय के लिए आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किसे पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख की रचना का श्रेय प्राप्त था? एहोल, तो यह है रवि कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई है? बाणभट्ट द्वारा, तो यह किया गया है हर्षचरित और कादंबरी, ऑप्शन नंबर ए लगाइए 1 और 3। नेक्स्ट है, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? कविराज, तो यह किया गया था अमोघ वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ईश्वर चित्त तथा अचित्त से युक्त सही है, अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास ये भी सही है, जगत वास्तविक सत्ता स्वीकार है ये भी सही है, कर्म फल का पूर्ण विनाश ही मोक्ष है ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, चारों कथन सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था? मौर्य काल में चांदी का सिक्का, देखिए सिक्का से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, कारसारड इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118, परांतक प्रथम का उत्तमेरूर अभिलेख निम्नलिखित में से किस विषय की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो यह है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह किया था देवार्धि क्षमाश्रमण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम लोहे युक्त सिक्के जारी किए थे? तो यह किए थे आपके हिंद यवन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगेकोट चोल का विरोध धारण किया था? तो यह किया था राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने शासन में, पूरा श्रीलंका जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुलु वंश की स्थापना का उल्लेख प्राप्त होता है? तो यह होता है देवालापल्ली अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी सर की वास्तुकला की विशेषताएं हैं? सर की वास्तुकला, बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग नहीं, मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार ये सही है, मस्जिदों का निर्माण में पत्थरों का प्रयोग ये सही है, प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव, यह कथन गलत है। 2 और 3 लगाइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, बहमनी साम्राज्य में प्रयुक्त किए जाने वाला पद अतराप निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? अतराप, तो यह करता है प्रांत को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रांत मतलब क्या जानते हैं ना, राज्य। विजयनगर कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, मनुष्यों का क्रय विक्रय से वे सभा कहलाता था, विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया जाता था, कौन सा कथन सही होगा? तो ये है पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है, विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया जाता था, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का रचना कृष्णदेव राय द्वारा नहीं की गई है बताना है, तो यह है आमुक्ता माल्यत है और जाम्बवती कल्याण है, उषा परिणय है, मनुकारिता ये नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है, तो इसी को सही कर देंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि के प्रारंभ का श्रेय प्राप्त है? तो यह है गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय संबंधित है? सुहरावर्दी, यह है जलालुद्दीन तबरीज, ऑप्शन नंबर
तब री जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी राव के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू राजस्व का निर्धारण भू माप के पश्चात उपज के अनुमान पर आधारित था। भू राजस्व की वसूली नगद तथा अनाज दोनों रूपों में की जाती थी। कृषि को प्रोत्साहन हेतु तकाबी ऋण दिए जाते थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। मराठा प्रशासन में सर ए नौबत निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो यह था सैन्य विभाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य है, राजवंश है, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अहमदनगर निजाम शाही सही है, बीजापुर आदिल शाही सही है, विदर वरिद शाही सही है, बरार कुतुबु शाही, ये कथन गलत हो जाएगा। तो बरार देखिए बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र बरार था, जिसे फतहउल्लाह इमाद शाह ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित करके इसकी वंश की स्थापना की थी। तो तीसरा चौथा वाला गलत है, ऑप्शन डी गलत है, इसी को सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, हसन निजामी को निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। अगला है, महमूद गजनवी के निम्नलिखित आक्रमणों पर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालिंजर, सोमनाथ, थानेश्वर, मथुरा, बताइए कौन सा कथन होगा इसमें से। तो देखिए पहले थानेश्वर में युद्ध हुआ था, फिर सोमनाथ, उसके बाद फिर मथुरा, फिर कालिंजर। कालिंजर में तो मारा ही गया था, महमूद गजनवी है ना? नहीं नहीं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2341। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने बैतुल उल उमुल की स्थापना की थी? बैतुल उल उमुल, तो यह था जेबुनिसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेबुनिसा। नेक्स्ट 135 नंबर, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के संत के मत को दैतावाद के नाम से जाना जाता है? दैतावाद, ठीक है, तो दैतावाद को जाना जाता है निम्बकाचार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्बकाचार्य। रामानंद का देखिए क्या विचार था, तो वो विशिष्ट द्वैतवाद था, और रामानुजाचार्य का था विशिष्टा द्वैतवाद। मध्याचार्य का क्या था, तो मध्याचार्य का था अद्वैतवाद, निम्बिकाचार्य का द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, तो यह किया गया था दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान, ठीक है, तो तीन और चार ऑप्शन नंबर बी में है। फिरोज तुगलक कार्य कुछ कार्य और भी स्थापना थे, जैसे कि विभाग देखें तो दास विभाग था, रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, दारुल सफा और दीवान ए बंदरगाह, ठीक है, बंदगान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो यह किया था मुहत सीब, ठीक है। तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहत नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किसका जन्म? औरंगजेब का, 1658 से 1707 तक था ये। मुहत सीब भारत के इतिहास में सल्तनत काल और फिर मुगल कालीन शासन व्यवस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण पद था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल में यह पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था। इस पद का कार्यरत सरकारी कर्मचारी कुछ ऐसे थे जैसे कि शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना, शराब भांग के उपयोग पर रोक लगाना, जुए के खेल को प्रतिबंधित करना, बादशाह के आदेश से मंदिरों को तोड़वाना, ठीक है, तो कुछ ऐसे थे। 138 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कहलाती थी इसमें से? तो यह कहलाती थी इतलाकी। क्वेश्चन 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में किया गया था? जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, हजार सीतून और आदिलाबाद का किला, कौन सा था इसमें? तो ये हो जाएगा आदिलाबाद का किला, हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 140 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भेजा था? तो ये भेजा था इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सचिन एट द रेट 50 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
तो यह है बोरिया मजुमदार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल योजना का उद्देश्य, पहल योजना के बारे में जानते हैं कि नहीं? तो यह था आपका ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है धन्या राजेंद्रन को। क्वेश्चन 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने वाला देश का पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य? तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रहा है, उत्तर प्रदेश का होगा। हाल ही में जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस ISC में भारत के निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर का 75वां स्थान प्राप्त किया गया, भारत का कौन सा है? तो ये हो जाएगा एरावत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरावत। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस युद्ध युद्धपोत को वियतनाम को उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो इसका है INS कृपाड़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार को सम्मानित किया गया है, संतोकबा? तो यह है आपका सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनम वांगचुक, जम्मू कश्मीर, जो अभी बहुत चर्चा में थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है? तो यह है आपका दीपिका मिश्रा। देखिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी और इनको वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BR चौधरी ने सम्मानित किया। राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता सम्मानित किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 150 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 32वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है, 32वां? तो यह है शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव शंकरी। देखिए तमिल लेखक शिव शंकरी को उनके 2019 के स्मरण सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित करने के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा घोषणा की गई। शिव शंकरी का साहित्यिक अनुभव 5 दशकों से अधिक रहा है। सरस्वती सम्मान 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह देश में भारतीय साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता है और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष निर्दिष्ट सम्मान वर्ष से पिछले 10 वर्षों में किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय लेख भाषा में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के अलावा बिहारी पुरस्कार और व्यास सम्मान फाउंडेशन द्वारा स्थापित अन्य साहित्यिक पुरस्कार है। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव नहाड़ा को प्रदान किया है। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी के शैलजा ने वर्ष 2022 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने इनकार कर दिया था, जिसका कारण उन्होंने बताया कि जिस कार्य के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है वह सामूहिक भागीदारी से ही संभव हो पाया है। हाल ही में उन्होंने माई लाइफ इज कमरेड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये खत्म होता है ये 150 क्वेश्चन। तो इसके पहले भी और वीडियो बनाए गए हैं, तो आज का टेस्ट हम लोग 5 कर रहे थे, नेक्स्ट टेस्ट बहुत जल्दी 6 नंबर आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर टेस्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग उसका वेट करिएगा, कल शाम को 5 या 6 बजे आ जाएगा। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे जाकर देखिए, लगातार टेस्ट करते रहिए, जितना टेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।